नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हनुमान जन्म महोत्सव के मौके पर फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स ने भगवान हनुमान का पोस्टर रिलीज कर दिया, लेकिन लोगों को हनुमान जी का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोग जमकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष लगातार लोगों का विरोध झेल रही है। अब एक बार फिर से लोग फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग भी कर रहे हैं। फिल्म में हनुमान का किरदार देवदत्त ने निभाया है। अब ट्विटर पर लोग जमकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं और मेकर्स को लताड़ लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ऊप्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी मेकर डिड नॉट डिसाइड टू चेंज द लुक ऑफ लॉर्ड हनुमान। लगता है जिस डाली पर बैठे हैं वही काटने का विचार है। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, मतलब कुछ भी, खुद के दिल से ही पूछो, क्या ऐसे दिखते हैं हमारे हनुमान जी? ये पोस्टर में से फीलिंग भी नहीं आ रही है हनुमान जी की, मौलाना जैसे लग रहे हैं, कुछ भी बना रहे मूवी, आई विल नेवर वॉच दिस मूवी। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, हनुमान जी को मुसलमान बना दिया है इन गधों ने, ये मूवी डिजास्टर है पक्का। वही एक और यूजर ने लिखा, यह हनुमान है, हद है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ये तो मौलाना लग रहा है। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, ये मूवी बॉयकॉट करना चाहिए, आदि पुरुष ये कैसा पोस्टर रिलीज किया। वही एक और यूजर ने लिखा, रामायण के नाम पर क्या क्या देखना पड़ रहा है, हनुमान जी सेव अस। तो देखा आपने, हनुमान जी का पोस्टर देख लोग किस कदर गुस्सा हो रहे। बता दें कि फिल्म आदि पुरुष को लेकर लोगों का गुस्सा पहले भी देखने को मिल चुका है। कुछ दिनों पहले रामनवमी के मौके पर फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें प्रभास, कृति सेनन, सनी सिंह और देवदत्त गजानन दिखाई दिए थे। ये पोस्टर भी लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों ने जमकर मेकर्स और एक्टर्स की आलोचना की थी। बता दें कि पिछले साल आदि पुरुष का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे देख लोग इस कदर भड़क गए थे कि फिल्म को बैन करने की मांग तक करने लगे थे। फिल्म का इस कदर विरोध हुआ था कि फिल्म की रिलीज डेट को बदलना पड़ा। फिल्म में रावण बने सैफ और हनुमान बने देवदत्त के कैरेक्टर्स लोगों को पसंद नहीं आए। लोगों ने कहा था कि ये इस्लामिक लग रहे हैं। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा अभी भी फूट रहा है। बता दें कि आदि पुरुष में प्रभास भगवान राम, कृति माता सीता, सैफ अली खान लंकेश, सनी सिंह लक्ष्मण और देवदत्त हनुमान का किरदार निभा रहे। 500 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इस साल 3D में रिलीज होगी। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 16 जून को रिलीज होगी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट हो पाती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।